आज रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर का 62वां फाउंडेशन डे 62nd फाउंडेशन डे है। आज ही के दिन 5 अगस्त 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। तत्कालीन सरकार ने यहाँ पर संस्थान के लिए जमीन दी और ये कलकत्ता बनने वाली थी, लेकिन तत्कालीन सरकार के प्रयासों से यहाँ आई, जो क्षेत्र में अपना काफ़ी काम कर रही है। चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आई है, हमारा काम काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम लोग NCF बनाकर ले आए हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, फाउंडेशन स्टेज का और स्कूल एजुकेशन का। टीचर एजुकेशन पर बन रहा है और एडल्ट एजुकेशन पे आने वाला है, 4 की हमारी जिम्मेदारी थी। टेक्स्ट बुक्स डेवलपमेंट का काम चल रहा है, क्लास 3 की और क्लास 6 की किताबें आ चुकी हैं और वो बाज़ार में हैं। हम अब टीचर्स का ट्रेनिंग उन पर करेंगे कि टीचर्स उनको कैसे इस्तेमाल करें। आगे की किताबें और बन रही हैं और जो NEP में जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो 10 बैकलेस डेज हैं, चाहे वोकेशनल एजुकेशन का इंटीग्रेशन है, चाहे स्पोर्ट्स का इंटीग्रेशन है, लोकल फ्लेवर का इंटीग्रेशन है, लोकल लैंग्वेज है, इन सभी पर NCERT काम कर रही है। और क्षेत्र में NCERT ये इकाई, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, पूरे दमखम से लगी हुई है। हमारा प्रयास है कि ये क्षेत्र पीछे ना रहे और जितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अच्छी बातें हैं वो सब लोगों तक पहुँचें, उसका सफल कार्यान्वयन। क्योंकि पहले की किताबें दूसरी शिक्षा नीति पर आधारित थी, अभी हमारी शिक्षा नीति ऐसी है कि जिसमें बच्चा अनुभव से सीखे, अनुभव जन्य ज्ञान हो। हम चाहते हैं कि शिक्षण बिंदु कम हो लेकिन जो सीखे वो उसका अनुभव बन जाए और लोकल चीज़ों से सीखे। चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसी है, पहले टीचर सेंट्रिक थी लेकिन हम चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसी है। और बच्चा केवल ज्ञान का अर्जन ना करे बल्कि वो हर्ट और इमोशनल थिंकिंग भी उसमें हो, हाथ से कैसे काम कर सकते हैं वो इसमें है। हम चाहते हैं कि जो बच्चा आगे बनेगा वो एनर्जेटिक होगा, कॉन्फिडेंट होगा, साहसी होगा और ना केवल वो जॉब के लिए ढूंढेगा, जॉब को ढूंढेगा, बल्कि वो खुद जॉब देने की स्थिति में आएगा। उसमें इस तरह की स्किल्स का, कौशलों का विकास करना हमारा उद्देश्य है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।